साधु जी, हर हर, बागेश्वर धाम की। अपने अपने नारियल निकालो, उसमें कपड़ा निकाल लो, नारियल हाथ में ले लो, कपड़ा हाथ में दूसरे हाथ में रख लो, पॉलीथन में है तो पॉलीथन में से नारियल, बैठे बैठे, खड़ा नहीं हो, बैठे बैठे। बाहर भी जो अर्जी का सामान लेकर के आए हैं, बैठ जाओ, आशीर्वाद। हाथ में नारियल लेके बैठ जाओ, खड़े नहीं रहना है, बैठना है। हाँ, ले लिए नारियल। अब नारियल को ऐसे हाथ में लो, ऐसे ऐसे हाथ में लो, एक बार मस्तक से लगाओ, धीरे धीरे नेत्र बंद करो, जो घर पर बैठ करके भी लाइव में अर्जी लगा रहे हैं, आप लोग भी ऐसा ही उपाय करें, मोबाइल को सामने रख दें, नारियल हाथ में ले लें, एक बार मस्तक से लगाकर प्रणाम करें, इसके बाद प्रयोग करें। कहो, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम वचन देते हैं, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। बोलो, ओम वागेश्वराय नमः, ओम वागेश्वराय नमः, ओम वागेश्वराय नमः। बोलो, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। अब जिनके पास नारियल नहीं है वो मुट्ठी बांधे, जो नारियल मिला है आपके पास है उसे लाल रंग के कपड़ा में बांधना है। सब लोग जो लाल रंग का कपड़ा लाए हैं, धीरे धीरे नेत्र खोलिए, अब अपने अपने लाल रंग के कपड़े पर उसको बांधिए। जो बांधे हुए हैं वो गांठी लगा सकते हैं। जिन पे कपड़ा नहीं है वो पॉलीथन का भी प्रयोग करें। इस अर्जी के नारियल को यहां नहीं रखना है, इसको आपको अपने अपने पूजा मंदिर में रखना है, और जब भी धाम जाएं या जब भी काम सफल हो जाए तो यही जा करके बांध देना है। अब बांध लिया सबने, अब एक बार पुनः प्रणाम करें। आप जो भी अर्जी लेकर, प्रश्न लेकर अथवा जो भी समस्या लेकर आए थे, बैठे हैं,
पर्चा नहीं बना, तारीख नहीं मिली या हमसे बात नहीं हो पाई। सन्यासी बाबा का यह दुविया हुआ ऐसा अचूक उपाय है जो भक्त इस उपाय को करते हैं, लहसुन प्याज बंद रखते हैं, मंगल अथवा शनिवार की एक महीने में, दो महीने में, पांच महीने में, एक साल में एक बार जो पेशी करते हैं, 21 पेशी पूर्ण, और पेशी पूर्ण होने के बाद, कार्य सफल होने के बाद जो कन्या विवाह कर कन्या भोज करवाते हैं, उनके घर पर जीवन पर्यंत सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की कृपा रहती है। आप जो भी अर्जी लेकर आए हैं, तीन बार मन ही मन बोलिए ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करिए। ऐसा करने से शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो स्नेह स्नेह बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करिए एंटी क्लॉक में। इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ बांधे। यह ऐसा अचूक उपाय है कि लाखों भक्तों ने इस उपाय से, कई भक्त ऐसे हैं जो घर से आ नहीं पाते, घर वाले आने नहीं देते, सबको ही मान्यता नहीं है या सबको ही भाव नहीं रखता है, उन भक्तों को भी इस उपाय से लाभ होता है। अब दोनों हाथों को मलें, बोलो ओम वागेश्वराय नमः, ओम वागेश्वराय नमः, ओम वागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगाइए। अब शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराइए। अब दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, काशी विश्वनाथ भगवान की। जाओ, आप सबकी अर्जी बालाजी के चरणों में स्वीकार हो जाए, जन्म जन्म तक आप ऐसे ही प्रसन्न रहो, आपके सब संकट कट जाएं, ऐसा आशीर्वाद है।